हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इन दिस वीडियो मैं कुछ तुम्हें थंबनेल डिजाइंस बताने वाला हूँ। जैसे कि सभी को पता रहेगा कि अभी एक नया एजेंट आने वाला है जिसका नाम है एस्ट्रा। सो इन दिस वीडियो मैं एक थंबनेल बना के दिखाऊंगा एस्ट्रा का। दिस इज नॉट अ स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल और अ बेसिक ट्यूटोरियल। तो अगर तुम्हें बेसिक्स नहीं आते तो आई वोंट रिकमेंड यू वॉचिंग दिस। सो या विदाउट फर्दर एनी डू लेट्स जस्ट जंप इनटू दिस वीडियो। ये सिंपली मुझे जो ट्रेलर वीडियो था एस्ट्रा का रिवील का, उसमें से मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए ये दो और इसको मैंने एकदम प्रिसाइजली कट करके रख दिया है। तुम लोग को अगर ये चाहिए इसके PNGs, मैं एक PSD फाइल अपने डिस्कॉर्ड पे डाल दूंगा, उसका लिंक में कमेंट्स में डाल दूंगा। सो या यू कैन चेक इट आउट। एंड विद दिस फोटो, अब मैंने पहले ही ठान लिया था कि मुझे क्या करना है। सो वही है, तुम्हें जो अवेलेबल फोटोज है उससे तुम्हें एक आइडिया आ जाता है कि तुम क्या कर सकते हो, क्या दिखा सकते हो अपने थंबनेल में। सो मैंने अपना भी एक यहाँ पे फोटो लिया है विच लुक्स समथिंग लाइक दिस। जस्ट रिमेंबर अ थिंग, जितना अच्छा तुम्हारा फोटो रहेगा, जितना अच्छा वेल रेजोल्यूशन तुम्हारे सारे पिक्चर्स रहेंगे, उतना अच्छा तुम्हारा थंबनेल बनेगा। सो या एज यू कैन सी इट हियर, अपन ने बहुत अच्छा एक अपना एक फोटो ले लिया है यहाँ पे विद सेम जेस्चर। नाउ व्हाइल मेकिंग वैलोरेंट थंबनेल्स, तुम ये काफी ज्यादा कर सकते हो कि अपने बाजू वाला जो एजेंट है उसके जो कुछ कुछ चीज है वो तुम निकाल के अपने में लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी एस्ट्रा के बाल काफी यूनिक है, सो मे बी आई कैन ट्राई दैट हेयर स्टाइल ऑन माई सेल्फ। आई कैन गेट दिस, ये पता नहीं कुछ रुमाल सा है, ये अपन लगा सकते हैं अपने अपने गले पे। मे बी वी कैन चेंज द हैंड एज पर दिस, वी कैन डू मेनी थिंग्स। फर्स्ट ऑफ, मैं सिंपली जो बैकग्राउंड है वो ही उठाऊंगा यहाँ पे, तुम लोग देख सकते हो। मैं सबसे नीचे फिर उसको प्लेस कर दूंगा, आई स्केल इट आउट ताकि थोड़ा सा एस्ट्रा लिखा हुआ दिखे। एंड देन आई विल गो ऑन फिल्टर ब्लर एंड आई विल ऐड सम गॉशियन ब्लर। मेक श्योर तुम लोग बैकग्राउंड को गॉशियन ब्लर दो, क्योंकि फिर बैकग्राउंड तुम्हारा ऐसा नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट के साथ ब्लेंड इन हो रहा है। तो ये वाले फोटो में अपन देख सकते हैं अपने को है ना एस्ट्रा के दोनों रूप अलग अलग दिख रहे। सो मुझे यहाँ पे अपना हाथ भी है ना एस्ट्रा के जैसे करने का मन कर रहा है। तो वॉट यू कैन डू इज यू कैन गेट द पेन टूल बाय हिटिंग पी ऑन योर कीबोर्ड एंड देन जस्ट डू दिस। You can find many tutorials of paint tool out on YouTube, so I recommend you watching that. And as you can see, we are done with the selection part. मैंने ये गलती से शेप पे रख दिया था, बट देन डजंट मैटर, मैं कंट्रोल एंटर दबाया तो इतना पार्ट सिलेक्ट हो गया। एंड देन आई विल सिंपली क्लिक ऑन माई लेयर एंड ये जो हाथ सिलेक्टेड है उसका मैं कंट्रोल जे करके एक डुप्लीकेट लेयर बनाऊंगा। तो तुम लोग देख सकते हो सिर्फ मेरा हाथ का पार्ट जो है वो अलग लेयर पे आ गया है। तो नाउ ऑल वी हैव टू डू इज मेक अवर हैंड समथिंग लाइक दिस। उसके लिए सबसे पहले तो अपन ह्यू एंड सैचुरेशन में जाएंगे, क्लिपिंग मास्क करेंगे ताकि सिर्फ यही लेयर पे वो अप्लाई हो। एंड वी विल चेंज अवर हैंड्स कलर टू पर्पल। वंस यू सेटिस्फाइड विद द कलर, अब यहाँ पे तुम देख सकते हो काफी शेडोज है, काफी हाईलाइट्स है। अब ये सारे टेक्सचर्स जो है वो लाने काफी टफ है। सो सिंपली यू कैन डू अ थिंग इज तुम यही हाथ एटलीस्ट इतना पोर्शन चूज करके ये टेक्सचर तुम यहाँ पे लगा सकते हो। कंट्रोल जे किया मैंने डुप्लीकेट करने के लिए, इसको सबसे ऊपर लूंगा ये लेयर को एंड आई विल जस्ट प्लेस इट ओवर हियर। सिंपली ब्लेंड इन करने के लिए अपन इसके ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। ओवरले काफी अच्छा लग रहा है एंड जो यहाँ पे हल्के हल्के जर्क से लग रहे हैं इसको अपन रबर टूल से इसके एजेस मिटा देंगे। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। जैसे मैंने कहा ये जो रुमाल्स है ये अपन निकाल के अपने कैरेक्टर को लगा सकते हैं। सो फॉर दैट आई जस्ट सिलेक्ट द लेयर ऑन विच एस्ट्रा इज, आई सिलेक्ट दिस। मेरा लासो टूल पे हाथ काफी अच्छा बैठ गया है इसलिए मैं लासो टूल यूज करता हूँ। डजंट मैटर विच सिलेक्शन टूल यू यूज, जस्ट मेक श्योर तुम्हारा सिलेक्शन अच्छा हो, देखने लायक हो। Now once I'm done, मुझे अभी अपने टी शर्ट का कलर भी चेंज करना है। सो फॉर दैट अपने को UN saturation फिर से यूज करना पड़ेगा। मेक श्योर तुम अपने वाले लेयर पे सिलेक्टेड हो, एडजस्टमेंट में जाओ, UN saturation, मेक श्योर यू हिट ऑन दिस,
क्लिपिंग मास्क आइकन एंड फिर यहाँ पे तुम स्लाइडर से चेक करो कि तुम्हें एक्चुअल में कौन सा कलर चाहिए। एज यू कैन सी यहाँ पे काफी ब्लरी सा इफेक्ट आ रहा है, सो टू फिक्स दैट यू कैन हिट ऑन कलराइज। नाउ एज यू कैन सी ये पर्पल काफी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे यूएन सैचुरेशन के बाजू में देख सकते हो एक व्हाइट लेयर बना हुआ है, सो दैट इज नथिंग बट योर मास्क। अब ये व्हाइट कलर है, तो ये व्हाइट कलर पे जब मैं ब्लैक कलर मारूंगा ब्रश से तो पूरा जो इफेक्ट है वो गायब हो जाएगा। तुम यहाँ पे देख सकते हो अब जो व्हाइट लेयर था वो ब्लैक हो गया। टू ब्रिंग दैट इफेक्ट बैक आई नीड टू ये ब्लैक कलर के ऊपर फिर से व्हाइट कलर मारना पड़ेगा। तो एज यू कैन सी मुझे अपने टी शर्ट पे पर्पल कलर चाहिए था, सो नाउ आई एम गेटिंग इट। जो अपने हाथ के नजदीक वाला टी शर्ट का एरिया है उसे हल्का सा पर्पल रख दिया है एंड जो उसके दूर है उसे ब्लैक रख दिया है। यू कैन एनी टाइम चेंज द कलर फ्रॉम हियर। ऐसे ही तुम और भी कई चीजें ऐड कर सकते हो अपने मन से, जो तुम्हें लगे कि ये चीजें एक्स्ट्रा की मेरे ऊपर लगी तो ये काफी अच्छी दिखेंगी। एंड नॉट जस्ट एक्स्ट्रा, तुम ऐसे बहुत सारे अलग अलग एजेंट्स के कर सकते हो। नाउ टू मेक अवर हेयर लाइक हर, एज यू कैन सी उसका जो साइड हेयर है, जो साइड पार्ट ऑफ द हेड है, इसमें हल्का हल्का स्किन दिख रहा है। सो फॉर दैट यहाँ पे अपना स्किन दिखाने के लिए क्लोन टूल यूज करूंगा। यहाँ पे जो है क्लोन स्टैम्प टूल आई सिंपली सिलेक्ट इट, देन आई हिट अल्ट और अपने स्किन के ऊपर क्लिक करूंगा। आई रिलीज अल्ट एंड देन यहाँ पे जहाँ पे मुझे स्किन दिखाना है वहां पे मैं माउस अपना ड्रैग करूंगा। If you think ये कुछ ज्यादा ही हो गया तो तुम ज्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ से ओपेसिटी कम कर सकते हो एंड फिर से यहाँ पे हेयर का तुम्हारे क्लोन लेके तुम हल्का सा ओपेसिटी कम करके यहाँ पे इसके जो एजेस है ये फिक्स कर सकते हो। मे बी यू नीड दैट मोहॉक इन योर हेयर, सो आई जस्ट सिंपली यूज दिस स्मच टूल। मैं इसको हल्का सा बड़ा करूंगा, आई यूज सम 60% ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्मच टूल से तुम अपना जो हेयर है वैसे ऊपर लेके जा सकते हो। अब यहां से फिर तुम्हारा पर्सनल प्रेफरेंस है कि तुम्हें अपने बालों को कितना नचाना है, तुम्हारे बालों को कितना खराब करना है, उसमें हल्के हल्के बारीकियां भी कर सकते हो इफ यू वॉन्ट। एज यू कैन सी शी गॉट सम व्हाइट पार्टिकल्स इन हर हेयर, सो मे बी वी कैन एड दैट टू। विल एड अ न्यू लेयर, ब्रश टूल सिलेक्ट करो, अल्ट दबा के रखो, hit your right click and drag your mouse on the left so that your size decreases. As you can see मैं left पे लेके जा रहा हूँ तो मेरा size कम हो रहा है, right पे लेके जा रहा हूँ तो बड़ा हो रहा है। Now hold the same buttons and अपना जो mouse है उसे नीचे drag करो तो उससे तुम्हारा जो hardness है वो 100% हो जाएगा। The same way तुम अगर mouse अपना ऊपर drag करोगे तो तुम्हारा hardness जो है वो 0 हो जाएगा। अभी के लिए अपने को हार्डनेस 100 चाहिए तो आई जस्ट सिंपली ड्रैग माय माउस बिलो एंड लुक एट दिस, मैं यहां पे व्हाइट कलर ऐसे मार दूंगा हल्का हल्का। अभी आगे अपन बढ़ेंगे लाइटिंग की तरफ जो कि मेरा फेवरेट है। फॉर दैट हम सबसे ऊपर एक लेयर बनाएंगे। सबसे ज्यादा अब कलर कौन सा दिख रहा है तुम्हें? अपने हाथ का पर्पल, राइट? सो अपन अल्ट दबा के राइट क्लिक करके अपने माउस का साइज बड़ा करेंगे एंड अपने माउस को ऊपर ढक लेंगे ताकि अपना हार्डनेस 0 हो जाए। नाउ अल्ट दबा के रख के मैं यहां से पर्पल कलर उठाऊंगा एंड आई विल मेक श्योर ये सबसे ब्राइटेस्ट कलर है एंड आई विल जस्ट क्लिक वंस ओवर हियर। एज यू कैन सी यहां पे एक नए लेयर पे एक ब्लूम सा इफेक्ट आ गया है। अब ये तो ग्लो लग रहा नहीं है, सो ग्लो लाने के लिए हमें उसका ब्लेंडिंग मोड, कलर डॉज, लीनियर डॉज या इनमें से कोई भी करना है। सो जो तुम्हें अच्छा लगे तुम रख सकते हो एंड ओपेसिटी के साथ खेल सकते हो। एज यू कैन सी इन हर हैंड नॉट जस्ट पर्पल बट व्हाइट का भी ग्लो काफी ज्यादा है, सो वी विल डू दैट टू। फिर से नया और एक लेयर लेंगे, यहाँ पे व्हाइट कलर सिलेक्ट करके यहाँ पे व्हाइट कलर का स्प्लैश देंगे एंड आई विल चेंज द ब्लेंडिंग मोड टू कलर डॉज। जस्ट प्ले अराउंड विद इट। मे बी हम अपना जो लेयर है हाथ का उसको भी डबल क्लिक करके आउटर ग्लो दे सकते हैं पर्पल कलर का। यहाँ पे अपना सिलेक्शन थोड़ा हल्का ऊपर नीचे हो गया है लेकिन वो भी अपन छुपा सकते हैं, उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, हल्की सी चोरी करनी है, ब्लर टूल पे क्लिक करना है एंड ये जो एजेस है उसके ऊपर ब्लर टूल अपना मार देना है। अगेन मेक अ न्यू लेयर, अपना लाइटिंग अब तक खत्म नहीं हुआ। वी कैन एड सम मोर लाइट्स ओवर हियर।
वी कैन एड दिस ब्लू लाइट। मैं ट्राई करता हूँ हर एक मॉडल में से एक ना एक तो लाइट ऐसा उभर के ला दूं। नेक्स्ट अप वी नीड सम पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स अपने थंबनेल को अलग ही लुक दे देता है। तो यहाँ पे पर्पल कलर ऑफ कोर्स ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा एंड आई जस्ट टाइप इन पर्पल पार्टिकल्स। यहाँ पे मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उठा लूंगा। इसके तो बैकग्राउंड में ब्लैक है, तो वो ब्लैक हटाने के लिए हमें इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन पे करना पड़ेगा। आई एडजस्ट इट एंड आई कीप इट ओवर हियर। गैलेक्सी बैकग्राउंड काफी अच्छे मिलते हैं गूगल पे, शायद वो ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा, तो मे बी आई कैन एड सम रेडियल ब्लर। एंड मैं यहाँ पे जूम पे क्लिक करूंगा, अमाउंट इसका अराउंड 30 रखूंगा। सो एज यू कैन सी एक काफी अच्छा इफेक्ट अपने को देखने मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट अब तुम्हें एक चीज करनी है, सबसे ऊपर जाके ये लेवल्स जो है एडजस्टमेंट में जाके ये लेवल्स पे क्लिक करना है। राइट साइड वाला जो ये पॉइंटर है इसको बीच में लेके आना है हल्का सा, जब तक तुम्हारा फोटो हल्का सा डार्क नहीं होता। ये जो व्हाइट कलर है द सेम थिंग विद यू डिड विद यू एंड सैचुरेशन, हमें ब्रश सिलेक्ट करना है। मेक श्योर यू हैव सिलेक्टेड दिस व्हाइट मास्क। हमें अभी ब्लैक कलर जो जगह पे अपने को ब्राइट चाहिए, जो जगह पे अपने को फोकस चाहिए, वहां पे अपन ब्लैक कलर मारेंगे। सो आई विल डू इट लाइक दिस। तो जहां जहां पे मैंने ग्लो दिया है वहां पे मैं 100% ब्लैक कलर मार रहा हूं, एंड जहां पे मैंने ग्लो हल्का सा नहीं दिया लेकिन स्टिल वो मेरा सब्जेक्ट है वहां पे मैं 50% ब्लैक कलर मार रहा हूं। नाउ सबसे ऊपर वाले लेयर पे आके कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ई दबाना है, तो एक पूरा एक लेयर का मे बी एक स्क्रीनशॉट बोल सकते हो तुम लोग, एक लेयर में आ जाएगा। तो ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करके मैं जाऊंगा कैमरा रॉ फिल्टर में। अगर तुम्हारे पे कैमरा रॉ फिल्टर डाउनलोडेड नहीं है तो यार दैट्स प्रिटी इट फॉर दिस वीडियो। ट्रस्ट मी दिस इज सिंपल ओनली इफ यू ट्राई दिस। ऐसा नहीं है कि मैं भाई बुक और पेंसिल लेके बैठा कि मैं ऐसा बनाऊंगा वैसा बनाऊंगा, नहीं, मैं जस्ट ट्रेलर देखा, मैं सोचा कैसा बनाऊंगा, मुझे वो स्क्रीनशॉट्स मिल गए, तो बस बात खत्म। सो वही है, तुम स्क्रोल करो, पिक्चर्स देखो, पिक्चर से ऑटोमेटिकली है ना जो तुम्हें स्टॉक चीजें मिलती है ना उससे ऑटोमेटिकली तुम्हें एक आइडिया आ जाएगा। एंड जस्ट ट्राई टू मेक समथिंग ऑफ योर ओन, मे बी यू कैन जस्ट कॉपी दिस एंड इससे ही तुम्हें एक अपना आइडिया मिल सकता है। यू कैन जस्ट प्ले अराउंड द कलर्स एंड यू कैन कॉल इट योर ओन। या दैट्स प्रिटी इट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर कुछ क्वेरीज रहेंगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछना। फोटोशॉप करके एक अपना चैनल है डिस्कॉर्ड पे, तो अपना काम वहां पे तुम लोग डाल सकते हो। सो या दैट्स प्रिटी इट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।